श्री चुनकट ऋषि आश्रम, जिसे लकीसर बाबा मंदिर भी कहा जाता है। ऋषि चुनकट के ही नाम पर कालांतर में इस पवित्र तपोभूमि का नाम चुलकाना धाम पड़ा। चुलकाना धाम हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में समालखा कस्बे के पास स्थित है। इस धार्मिक भूमि पर दो विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। पहला श्री चुनकट ऋषि यानी लकीसर बाबा का आश्रम और दूसरा श्री श्याम बाबा जी का ऐतिहासिक स्थान जो महाभारत कालीन है। इसी पवित्र भूमि पर वीर वरवरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण भगवान को दान में दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। श्री श्याम बाबा मंदिर की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया गया है तथा नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। वहां से आप श्री श्याम मंदिर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं श्री चुनकट ऋषि के आश्रम के बारे में। चुनकट ऋषि आश्रम का इतिहास सतयुग के समय का है। अतीत काल में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका नाम चकवाबैन था। लोक कथाओं और लोकगीतों के अनुसार सम्राट चकवाबैन भगवान श्रीराम के पूर्वज थे। चकवाबैन के पुत्र महाराज पृथु हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। मत्स्य पुराण तथा विष्णु पुराण में राजा बैन का वर्णन मिलता है। यही राजा बैन चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका पूरे पृथ्वीलोक पर राज हुआ करता था। एक बार चकवाबैन ने घोषणा की कि मेरे राज्य में जो भी जीव है वो मेरे द्वारा प्रदान किए गए अन्न और जल ही ग्रहण करेगा। राजा के सेवक यह फरमान तथा भोजन का निमंत्रण लेकर ऋषि चुनकट के आश्रम पहुंचे, परंतु ऋषि ने इस निमंत्रण और फरमान को ठुकरा दिया। तदुपरांत स्वयं चकवाबैन ऋषि चुनकट की तपस्या स्थली पर पहुंच गए तथा भोजन ग्रहण करने के लिए याचना करने लगते हैं, परंतु ऋषि राजा चकवाबैन को भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने व्रत किया है, तपस्वीजन राजअंश न खाने के लिए बाध्य होते हैं। तत्पश्चात राजा ने संदेश भिजवाया कि या तो मेरा अन्न जल ग्रहण करो, नहीं तो मेरे राज्य से बाहर चले जाओ या फिर मेरे साथ युद्ध करो। ऋषि ने उस समय राजा की नगरी को छोड़ना ही उचित समझा और वे वहां से चल पड़े। ऋषि इस धरती के चारों दिशाओं के अंतिम छोरों तक गए, सभी जंगल तथा पहाड़ तक छान मारे, परंतु इस धरती पर कोई ऐसा कोना नहीं था जो चकवाबैन की सीमा से बाहर हो। तब ऋषि को लगा कि जब आखिरी छोर तक चकवाबैन की सीमा है तो क्यों न अपने पुराने तपस्या स्थल पर चला जाए और उसका सामना किया जाए। अतएव लकीसर बाबा वापस अपने तपोस्थली चुलकाना में पहुंच गए। बाबा ने राजा से कहा कि मैं आपके साम्राज्य से बाहर जाने में असमर्थ रहा, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा, परंतु आपका दिया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। क्रुद्ध होकर राजा ने ऋषि चुनकट को युद्ध के लिए ललकारा। अतएव उस रात्रि में बाबा ने भगवान के नाम की धुनी लगाई, ब्रह्म मुहूर्त में वेद मंत्रों के द्वारा 2.5 कुशा तैयार की। सुबह पहली कुशा से राजा चकवाबैन की 72 अछौनी सेना खत्म कर दी। चुनकट ऋषि ने दूसरी कुशा राजधानी पर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप राजधानी धरती में गर्क हो गई, जिसको आज सतकुंभा खेड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही राजा चकवाबैन का घमंड टूटा, वो चुनकट ऋषि के चरणों में क्षमा याचना करने लगा। आधी कुशा को आदेश दिया द्वापर युग में जाने के लिए, जो द्वापर युग में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तभी से बाबा चुनकट के इस तपोभूमि का नाम चुनकट वाला पड़ गया, जो आज चुलकाना धाम के नाम से विख्यात है। ऋषि ने जो द्वाप की 2.5 कुशा बनाई थी उनसे 3 लकीर खींच दिए कि मैं राजा चकवाबैन का भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। 3 लकीरों के कारण ही बाबा को लकीर का फकीर कहने लगे, जिससे कालांतर में बाबा का नाम लकीसर पड़ गया। श्री चुनकट ऋषि के नाम से ही ये चुलकाना धाम बसा हुआ है। बाबा जी श्री चुनकट ऋषि यहाँ इस तपोभूमि में तपस्या करते थे। यहाँ पे उस समय 9 लखा बाघ था जी, तो उसमें बाबा जी तपस्या करते थे। उस समय कोई चकवाबैन राजा थे जी, 6 चकवे हुए पृथ्वी, जो पूरे पृथ्वी जिनका राज होता है, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं जो, तो उन्होंने अपने यहाँ पे भंडारा किया था जी। तो सबको जैसे निमंत्रण दे रहे थे, तो बाबा के आश्रम में भी पहुँचते हैं तो बाबा को निमंत्रण देते हैं कि आप भी हमारा अंजल ग्रहण करो।
तो बाबा ने अन्न का त्याग कर रखा था, वर धारण किए हुए थे बाबा जी। बाबा ने मना कर दिया कि मैं वर धारण के हूँ, मैं आपका अंजल ग्रहण नहीं कर सकता। तो राजा बोले यहाँ पर मेरी नगरी में रहना है तो आपको मेरा अंजल ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरी नगरी छोड़ के जाओ। तो बाबा जी नगरी छोड़ के चले जाते हैं। तो जाते जाते जैसे ही पहुँचते हैं आखिरी छोर पर पहुँचते हैं ना, तो पृथ्वी के, तो वहाँ से आगे पानी पानी था। तो वहाँ पर एक लीला दिखाते हैं भगवान जी कि एक हिरण थी, उसको एक शेर खाने के लिए आ रहा था, उसके बच्चे भी थे उसके साथ में, तो उनको खाने के लिए आ रहा था। तो हिरण बोलती है दो आयु चकवा बहन। तो बाबा जी को वहाँ से आवाज़ होता है कि हाँ भी चक्र इनका चकवा बहन का ही राज है। तो एक चक्कर आता है जी, वो चक्कर उस हिरण उसकी शेर की ना गर्दन काट देता है। तो फिर बाबा जी सोचते हैं कि यहाँ पे भी चकवा बहन का राज है तो क्यों नहीं मैं अपने नौलखा बाग में ही चलूं और वहाँ पे जाकर अपनी तपस्या करूं। तो बाबा दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसी नौलखा बाग में बाबा जी तपस्या करने लग जाते हैं। राजा को फिर पता लगता है कि साधु तो दोबारा फिर आ गए। तो फिर राजा खुद आते हैं कि यहाँ पे और बाबा को निमंत्रण देते हैं कि आओ हमारा अंजल ग्रहण करो। तो बाबा मना कर देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं वरदान के हूँ। तो फिर राजा बोले फिर मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा अगर यहाँ पर रहना तो आपने। तो वो बाबा कहते हैं ठीक है हम आपके साथ युद्ध करेंगे। तो बाबा जी दाव से 250 कुश हथियार करते हैं। राजा चकवा बहन की थी 7200 सेना, जो महाभारत में लड़ी थी कौरव पांडव की, दोनों की मिला के 1800 सेना थी जी उसकी, चकवा बहन की 7200 सेना थी। तो बाबा जी एक कुशा से उनकी पूरी सेना को ख़त्म कर देते हैं। एक से उनकी नगरी है यहाँ गनौर के पास सतकुंभा खेड़ी जी, एक उसके ऊपर फेंक देते हैं तो वो पूरी पूरी पलट जाती है जी, और आधी कुशा बाबा की बच जाती है जी। तो बाबा के तपोबल के कारण ये भूमि पवित्र हुई थी जी, इसलिए श्री श्याम बाबा का यहाँ पे शीश का दान हुआ और बाबा के नाम से फिर गांव का नाम पड़ गया चुनकट से ही चुलकाना धाम। सतयुग का यह इतिहास चुलकाना धाम को धार्मिक तीर्थ स्थान होने का प्रमाण देता है। चुलकाना धाम को भारतवर्ष की 84 सिद्धपीठों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। चुलकाना धाम आने वाले सभी भक्तों को चुनकट ऋषि के तीर्थ में स्नान जरूर करना चाहिए। उसमें स्नान करने से सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। चुनकट ऋषि का बण्या आश्रम यो इतिहास पुराना से, चार युगा तय बसे धम गम चुलकाना से। चुनकट ऋषि के तीर्थ में नावे कर्माला, जो नाले इस तीर्थ में बाबा बने रुखाड़ा। बताई जाती है कि बाबा के चुनकट ऋषि के तीर्थ में स्नान करके जो भी भक्त बाबा के दर्शन करते हैं बाबा स्वयं उनके रखवाड़े हो जाते हैं। फिलहाल इस मंदिर का कुछ अंश निर्माणाधीन है जो अगले कुछ ही महीनों में तैयार होने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा। आधुनिक मत रखने वाले दर्शकों को बता दूं कि चक्रवर्ती सम्राट चकवाबैन के विषय में इतिहासकारों ने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, परंतु कुछ इतिहासकार जैसे ह्यूनसांग और कार्लेल तथा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के हिसाब से चक्रवर्ती सम्राट चकवाबेन का कार्यकाल उनकी राजधानी तथा विभिन्न स्तूपों तथा अट्टालिकाओं के अवशेषों से यह सत्य प्रमाणित होता है। सोनीपत के निकट गन्नौर की ओर जीटी रोड से लगभग 20 मील की दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम मीना माजरा है। यहाँ पर प्राचीन नष्ट खंडार हैं जिसमें कई कई मंजिलों के मकान हैं, जो कि वर्तमान में सभी इमारतें भूमि सतह से बहुत नीचे हैं। स्थानीय लोगों तथा दंत कथाओं के हिसाब से वह स्थान अतीत में सम्राट बैन की राजधानी हुआ करती थी। इन्हीं चकवा बैन को इतिहास में कई जगह राजा बैन के नाम से संबोधित किया गया है। वर्तमान काल के बैंस, वेनिवाल इत्यादि गोत्र इसी के नाम से प्रारंभ हुआ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। मेरा नाम राजीव सिंह है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।